स्वैग मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों ने अजय गिल कुराड़ के उत्तर अमरम आज आपकी मुलाकात होगी। सदा बार कलाकार था जिसने सदा ही डीजे पे और आशिका के दिला पर राज कर है। तो बड़े भाई मासूम शर्मा बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई और सारे स्वैग मीडिया देखने वाले दर्शकों ने मेरी तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। भाई बातचीत अपनी चलती रहेगी, सबसे पहला दो चार लाइन किसी भी गाना की हो जाए भाई। गाने की? हाँ बिल्कुल भाई। होए रिए मैं हो रहा बदनाम गाभरू, ओले सोले करे सारे काम गाभरू, हो रखे पूरी टोर फोर तेरा माचरे से सोर, तू हो के गणा कुड़ता ते बार चल से, हो करू बंदे खिल खिल हाल थाने रे तहसील, तेरे यार के सारे सरकार चल से। बहुत बढ़िया भाई। भाई आज आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हो भाई, लेकिन कुछ आपके चैनल हैं भाई, आपका मुँह तो सुनना चाहूँगा, आपका गांव ग्वांड जिला तहसील के बारे में। भाई मेरा गांव ब्राह्मणवास जिला जींद तहसील थाना जो है जुलाना है। बिल्कुल भाई। और ये अपना परिचय। भाई आपने सिंगिंग लाइन की शुरुआत क्यों कर करी? सिंगिंग लाइन की शुरुआत बस बचपन में सुनाया करते, भगत राम व्यास जी के भजन सुनाया करते, नरेंद्र कौशिक जी के भजन सुनाया करते, उन भजना तो शुरुआत हुई थी। और धीरे धीरे गाने की चसक लग गई और गांव में ही अपने एक पार्टी थी, पंडित रामदत्त शर्मा जी को गुरु बनाया मैंने, मेरे गुरु भाई हैं भारत विष्णु और जो जस्सू भाई, उनके साथ सत्संग में साथ रहे तो सीखिए। बिल्कुल भाई। भाई आपने बात दी भाई, पहला तार आज के टाइम में भाई कलाकार वाली लाइन की भाई इज्जत कम हो रही है या मान सम्मान बढ़ रहा है? देखो कलाकार का मान सम्मान की अगर बात करें तो कलाकार का मान सम्मान तो शुरू से ही है और अभी भी है। कलाकारों का मान सम्मान की बात नहीं है, बात ये है कि जोनर जो कलाकारों ने चेंज करा है, पहले किस तरीके का संगीत पसंद कराया करते, किस तरीके के गाने सुनाया करते लोग, इब किस तरीके के गाने सुनने लगे, उस चीज़ की बात है। मान सम्मान तो उतना है भाई, कलाकारा मान सम्मान ना घटा ना बढ़ा, और कलाकारा मान सम्मान इतना ही रहेगा, इतना ही पहले था इतना ही रहेगा बाद में। बिल्कुल भाई। भाई आपकी आँखें का गया अपनी रणवी इंडस्ट्री में भाई, के बदलाव है क्या इंडस्ट्री में? तो बहुत बड़ा बदलाव आ गया मेरे भाई, क्योंकि इंडस्ट्री जिस टाइम मैंने शुरुआत करी थी 11-12 साल पहले, उस टाइम सीडी कल्चर होया करता, सीडियां भी कर दी, मेरी पहली एल्बम आई थी जो वो उसकी सीडी थी जलवे हरियाणा के, एक मेरी एल्बम थी। तो सीडी कल्चर के बाद फिर यूट्यूब का दौर शुरू होया, तो यूट्यूब के दौर में मेरा जो पहला हिट गाना, यूट्यूब के दौर का मेरा पहला हिट गाना मारी गाड़ में एक पटोला तू था, जो यूट्यूब पे 10 लाख व्यू हुए थे उसके, और उस टाइम रुका पाटा था भाई एक गाने के डिजिटल मीडिया पे इतने व्यूवरशिप है। तो यो ही बदलाव देखने में लगे भाई, उस टाइम एक कंपनी थी, कंपनी चलाया कर दी भाई, सोनाटेक थी, चिता थी, सुपर टोन थी, सुपर सुपर लाइन थी, बहुत सारी कंपनियां थी। उसके बाद जो डिजिटल का एक एकदम क्रांति आई ना डिजिटल की, उसने कलाकारों को बहुत मजबूत करा है। बिल्कुल भाई। क्योंकि उससे फिर क्या हो गया कि कलाकार अपने तरीके से अपनी चीजों को अपने चैनल पर प्रस्तुत करने लगे और हमारा शोषण जो है कम हो गया। बिल्कुल भाई। भाई आप हरियाणा के मोस्टली भाई नामी ग्रामीण कलाकारों के गाने देखा भाई, आप उन गाने ने भाई फैमिली का बीच में बैठ कर नहीं सुन सकते भाई, क्या उस टाइप के गाने कलाकार ने चलने खातर जरूरी है? शायद जरूरी है, क्योंकि क्या है कि 2 साल पहले तक मेरी इच्छा ये थी कि मैं कोई भी बदमाशिया गाना ना गाऊं। हाँ भाई ठीक है। हाँ 1.5-2 साल पहले तक मेरा यो एक विजन था कि मैं कोई भी बदमाशिया गाना नहीं गाऊं। हाँ भाई। क्योंकि बदमाशी के गाने तो कितने न कितने इन्हें हुए हैं और यूथ जो है उन्हें पकड़े हैं उन चीज़ों ने, और यूथ के लिए वो हानिकारक है। बिल्कुल भाई। लेकिन जब चीज़ों को देखा कि हम उस चीज़ से कतरा रहे हैं और लोग उन चीज़ों ने कर रहे हैं, हम नहीं करांगे कोई ना कोई तो करेगा। ठीक है। अब अपनी पब्लिसिटी भी उस पर हम अपना भी जो है हाँ उसने खराब करा, तो यह बात मन देखी है कि जरूरी हो सारी चीज। बिल्कुल भाई। क्योंकि हमारी ऑडियंस जो है ना, ऑडियंस ऐसी है कि ऑडियंस गलत चीज़ ने बहुत जल्दी कैच करे, अच्छी चीज़ ने कैच नहीं कर दी। तो अगर कोई कलाकार बदमाशी के या वल्गर कोई गाने गा रहा है तो मेरा मानना है कलाकार का कम दोष है। दोष तो है लेकिन कलाकार का कम दोष है, उससे ज़्यादा दोष जो है सुनने वालों का, ऑडियंस का है। बिल्कुल भाई।
भाई अपना दोरा कमेंट आते रहे कि भाई फलाना कलाकार नामी ग्रामी मेरा 10,000 खा गया, मेरा 15,000 खा गया। भैया इन बातों में कितनी सच्चाई है भाई? देखो खाना पीना तो किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ आप, जो है धोखा तो हर एक इंडस्ट्री में है, इस इंडस्ट्री में नहीं है। और मैं अपनी अगर बात करूं तो शायद हालांकि हर एक आदमी इंटरव्यू में तो नहीं बोलेगा कि भाई मन्ने तो किसी का खा नहीं रखा, ठीक है, लेकिन मैं तो एक बात कहूँ, अगर किसी का माम ना खा रखा हो तो भाई माम तो गांव में बैठे हैं, कोई आओ और हमने चाहे फेसबुक पे चाहे किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव करके बताओ ऑडियंस ने कि हमने भाई मासूम भाई ने हमारे साथ गलत करा। बिल्कुल भाई, भाई आपने शराबी गाना करा भाई, उस पर कमेंट है रहे कि क्या मासूम शर्मा का दिल टूट गया। अरे दिल टूटने वाली बात को नहीं, ये एक इमोशन हुआ है। बिल्कुल भाई, मैंने बदमाशी के भी गाने करे, ठीक है, बदमाशी के गाने करे तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बदमाश हूँ, समझे? तो ये तो एक ऑडियंस की एक भावना पकड़ी जाओगे भाई, हम एक इमोशन कलाकार है ना, कलाकार एक ऐसी चीज है जो हर एक जिंदगी जिले है, रिच से रिच जिंदगी जीवे है, गरीब से गरीब जिंदगी जीवे है, वो जिंदगी जीवे बेशक नहीं लेकिन उसने फील जरूर करा है। कलाकार दिल का आदमी होता है तो वो सारी चीजें ने ऑब्जर्व करा है, ऑब्जर्वेशन करके उस चीज को अपने शब्दों में पिरोगे और उसकी प्रस्तुति देवे। बिल्कुल भाई, भाई कदे आप गल यूं बीते हो कि इस गाना मेरा सबसे ज्यादा गाना यू चल रहा हो चल रहा भाई, लेकिन वो चल रहा नहीं हो कोई भी गाना, ऐसा गाना तो फिर मैं अगर कहूंगा तो शराबी है, ठीक है ना भाई, 4.5 हो रहे हैं, ठीक है ना, 4.5 बहुत कम है ना, जिस हिसाब का मैंने गाना कराया था, जिस हिसाब से मैंने उसमें मेहनत करी थी, उस हिसाब से उसका रिस्पॉन्स बहुत कम है। तो उस पर बहुत काम करा था मैंने, उसके करेक्टर पर बहुत काम करा था मैंने भाई, तो इस हिसाब से उसको बहुत कम रिच मिले। भाई अपने दर्शकों का कोई भी ऐसा मोटिवेशनल किस्सा बता दो कि आप पाछा टेओ फिर एकदम था भाई अपना लंबी छलांग मारियो जिस तक अपने दर्शक का हौसला बच जाए। भाई शुरुआत में मेरा एक मेरी एक एल्बम आई थी जलवे हरियाणा के, उसमें मेरा एक बहुत पॉपुलर गाना हुआ था, उस गाने के मैं दो लाइन सुना दूं। बिल्कुल भाई, हो दूध दही और सीत का छोरियां के गीत का, बैठक भीतर बूढ़े ठेरिया के तासा की जीत का, हो सामण के मातीज का तो मजा नारा हो से, हरियाणे में छोरो रे यो नजारा हो से। तो यो जो गाना करा था मैंने, उसके बाद मैंने ये जो एल्बम करी थी मैंने अपने पास से अपने घर के पैसे लगा के, मेरे भाई ने विकास भाई ने इसको प्रोड्यूस करा था। तो इसके बाद मैं कुछ दिन ठाली बैठ गया था, मैंने कोई काम नहीं करा। उसके बाद एक मेरा दोस्त लगा ले, चेला लगा ले, ललित राठी मेरा एक चेला है, तो वो मेरे पास आया, वो कुछ गाने लिख रहा था। तो कुछ गाने लिख के ले रहा था वो, उसने मेरे थी बताया कि भाई मासूम भाई मैंने सिर्फ आपकी आवाज़ पसंद है और आपकी आवाज़ में मैंने गाने करने हैं। 1.5-2 साल हो गया था, 1.5-2 साल तक मैंने कोई गाना नहीं करा था, बिल्कुल कुछ भी नहीं करा था। तो उसने मेरे को एक आके कुछ करते हैं, ठीक है, वो मेरे पास एक एल्बम लेकर आया था, कुछ गाने लिख कर लेकर आया था, लेकिन उसमें कुछ गाने मैंने उसको काट के भाई ये रहने दे, इसमें कुछ अलग क्रिएटिविटी डाला उसमें। फिर कोठे चढ़ ललकारू एक गाना मेरा था, वो मैंने डाला था, वो कोठे चढ़ ललकारू का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था। परमात्मा दास से मेरा सबसे सुपर डुपर ब्लास्ट हिट अगर जो आज भी हर ब्याह शादी में सुनने मिल जाए और शायद पारिवारिक भी सबसे अच्छा साफ सुथरा गाना था कोठे चढ़ ललकारू, तो वो गाना भगवान की दया तो बहुत पब्लिक ने पसंद करा और उसके बाद तो फिर मैं रुकया ही नहीं। बिल्कुल भाई, भाई आपने दर्शक का सुन में आवेगी भाई मासूम शर्मा जो एक्टिंग की डिग्री कर रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं भाई और सरकार ने सरकारी नौकरी भी दे रखी है भाई, ये कितनी सच्चाई है भाई इन बातों में? सरकार ने तो भाई किमें बालमीन दिया है, ठीक है, लेकिन कोई नौकरी नौकरी वाला कोई मामला को नहीं। हाँ मैं पढ़ाई मेरी चल रही है, मैंने एक्टिंग से डिग्री करी है 4 साल की फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट से। हाँ भाई, उसके बाद मेरी मास्टर चल रही है और मास्टर का मेरा 6-1 महीने बाकी है, तो पढ़ाई मेरी निरंतर जारी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है सरकार की तरफ से मैंने कोई बहुत बड़ा पद मिल रहा हो, सरकार की तरफ से मैंने बहुत बड़ा कोई नौकरी नौकरी मिल कुछ नहीं भाई। भाई इस लाइन में सिंगिंग वाली लाइन में सिनेमा वाली लाइन में भाई बंदा फ्यूचर के है, फ्यूचर तो ब्राइट है अगर आपके अंदर टैलेंट है तो। आपके अंदर टैलेंट है, आपका स्वभाव अच्छा है, आप लोगों से मेल जोल आपका अच्छा है, तो फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है, लेकिन
अगर आपके अंदर टैलेंट ही नहीं है तो आप चाहे 15 साल 20 साल खोलो, चाहे आपकी जितनी जमीन जायदाद है सारी बेच के लगा दो, बिल्कुल भाई बिना टैलेंट कुछ कौन हो मेरे भाई। भाई मैं एक आर्टिस्ट का नाम लेऊंगा, आपने उनका गाना सुनाना है भाई, बब्बू मान। बेरा भाई मैं तो सही बताऊं आत्मा ही बात हो, उसके बहुत सारे बब्बू मान भाई के फैन हो, लेकिन मैं एक बात बताऊंगा, मैं पंजाबी सिंगर में सिर्फ सत्येंद्र सरताज को मैं पसंद करता हूं, उसके अलावा मैं किसी कलाकार ने पसंद नहीं करता, क्योंकि मैंने बब्बू मान का एक आंदोलन में एक इंटरव्यू देखा था, करमू ने एक इंटरव्यू लिया था उसमें, तो उस इंटरव्यू में करमू ने बोला था जी बिला बोल दो हमारे दर्शक ने राम राम, राम, राम हाँ। तो उसने राम राम नहीं बोला, तो उस चीज़ से मैंने या दिक्कत नहीं हुई कि भाई इसने राम राम नहीं बोला, दिक्कत ये हुई कि एक आर्टिस्ट ने, मेरे थी कोई मुसलमान भाई मेरे साथ है वो बोल रहे भाई वालेकुम सलाम, तो मैं बोलूँगा ठीक है, कोई सिख भाई अगर साथ है सत श्री अकाल बोलेगा तो मैं बोलूँगा सत श्री अकाल, लेकिन उसने राम राम कौन बोली, मैंने इस बात पर नू लगाया कि जो आदमी एक पर्टिकुलर एक इसके मन में इसके जहन में एक कोई कहीं ना कहीं कोई चीज़ है। हाँ भाई। तो मैं बब्बू मान अच्छा राइटर है, अच्छा कलाकार है, अच्छा सिंगर है, ठीक है, उनके फैन फॉलोअर को मैं जो है मतलब वो बुरा ना माने इस बात का, लेकिन मैं पसंद कौन करता, क्योंकि मेरा सबसे बड़ी चीज़ है ना कलाकारी, तो बहुत बाद की बात है, सबसे बड़ी चीज़ है राष्ट्रवाद, और राष्ट्रवाद के लिए अगर है ना हमने, मैं मेरी भावना ऐसी है राष्ट्रवाद के लिए भूखा मरना पड़े तो मरना चाहिए, राष्ट्रवाद के लिए अगर माँ बाप का भी कत्ल करना पड़े तो कर देना चाहिए। राष्ट्रवाद एक ऐसी चीज है, सबसे बड़ी चीज मैं तो मानू हूँ, जिस मिट्टी में हम पले बड़े हैं, जिस देश का हम खा रहे हैं, जिस देश की ऑडियंस ने हमें बना रखा है, उस देश के लिए इतना तो बनता है कि भाई हम उस देश के लिए कुछ करें, बिल्कुल भाई। तो राष्ट्रवाद के ऊपर है बात। भाई सिद्धू मूसेवाला, सिद्धू मूसेवाला ठीक है, बहुत पॉपुलर है, बहुत चर्चित है, लेकिन सिद्धू मूसेवाले को भी मैं, सिद्धू मूसेवाले से ज़्यादा मैं बब्बू मान को पसंद करता था पहले, लेकिन उस इंटरव्यू के बाद जब मैंने वो देखा उसके जहन में धार्मिक भावना इतनी खतरनाक तरीके से मतलब जिहादी रूप मैंने दिखा, तो मैं पसंद करना बंद कर दिया। और सिद्धू मूसेवाला की भी बात मैं अगर करूँ तो उनका एक गाना आया था आंदोलन के टाइम में, पंजाब किसान आंदोलन के टाइम में, तो उस आंदोलन में उस गाने में कुछ एक फुटेज लगा रखे उन्हें भिंडरावाला के। हाँ भाई। तो भिंडरावाला ने देश तोड़ने की मांग करी थी, चलो खालिस्तान की मांग करी थी, उसके है खालिस्तानियों के लिए वो बहुत अच्छी बात हो है। हाँ। बहुत अच्छी बात हो, लेकिन एक अगर राष्ट्र के प्रति देखा, भारत देश के प्रति देखा, तो वो बहुत गलत बात थी, क्योंकि देश को तोड़ने वाली बातें और उसमें उनकी पिक्चर लगाना, उनकी फोटो लगाना, अगर वो भिंडरावाले को अगर कुछ मानते हैं तो मैं उनको कुछ भी नहीं मानता। बिल्कुल भाई। हाँ भाई, दर्शक कह रहे हैं कि मासूम भाई आपकी आवाज है टॉप, लेकिन भाई आजकल जैसे आपके गाने आ रहे हैं ट्यूनर लाने की ज्यादा जरूरत क्यों कर पड़ गई? ऐसा है जी, ट्यूनर देखो जो टेक्निकल चीजें आती है ना हमारे पास, जो भी सुविधाएं आती है उनका आदमी इस्तेमाल करता है, ठीक है, हिमेश रेशमिया से लगा लो, मिक्का सिंह से लगा लो, किसी भी कलाकार, किसी बड़े से बड़े कलाकार से लगा लो, जो सुविधाएं आती हैं उनका तो लोग यूज़ करते हैं, लेकिन ये है कि जमा प्रॉपर ट्यूनर का सारा कौन चल रहे भाई, हम लाइव गा के हम नू दिखा सकें भाई, कम से कम हम नरे लोग इतने को नहीं। हाँ बिल्कुल भाई। ठीक है। हाँ भाई। भाई आज का टाइम हर कोई बंदा नहीं चाहेगी भाई मेरे चार चार पाँच पाँच गाने तो मेरे भी होने चाहिए। भाई इस लाइन में मुनाफा क्या है? मुनाफा तो भाई मेरा गेम, नाम कमाओगे ना तो नाम के साथ दाम अपना आप आ जाएगा, जब नाम आपका होगा तो नाम के साथ आपके पास काम आओगा, और काम के साथ अपने पास आपके पास दाम आओगा। तो मुनाफा की यही है, अगर आपके पास क्वालिटी है काम करने की, आप अच्छा काम कर सकते हो, ठीक है, तो अपने आपके पास धनलक्ष्मी अपने आप आ जाओगे। भाई एक सिंगर की भाई सबसे मेन क्वालिटी क्या होनी चाहिए? सिंगर की सबसे मेन क्वालिटी यही होनी चाहिए, सिंगर की आप एज एन सिंगर पूछो या एज एन परफॉर्मर पूछो या एज एन स्टार पूछो, उन चीज़ों में एक बार आप एक बार वो मैंने बताओ भाई, एक स्टेज परफॉर्मर गला सिंगिंग सिंगर भी हो भाई परफॉर्मर
की अलग क्वालिटी होती है, सिंगर की अलग क्वालिटी होती है और स्टार की अलग क्वालिटी होती है। बिल्कुल, तो भाई आप सिंगर हो, सिंगरों की बता दो भाई। तो सिंगर की क्वालिटी तो यही होनी चाहिए कि उसका जो है गला अच्छा होना चाहिए और जब उसको परफॉर्मेंस के लिए खड़ा करा जावे तो उसके लिए उसको लोग देखते हैं कि ये हमने बहुत अच्छा गा के सुना होगा। हाँ भाई, तो उसकी गायकी में इतना दम होना चाहिए कि लोगों को आकर्षित कर सके। भाई कोई भी फेवरेट सिंगर? भगत राम निवासी। भाई कोई भी फेवरेट राइटर? पंडित लक्ष्मी चंद जी। भाई पंडित लक्ष्मी चंद की कोई भी दो चार लाइन जो उनकी लिखी हुई? भाई पंडित लक्ष्मी चंद की मैं दो लाइन सुनाता हूँ। हे रबिन आई मैं मरवा दे नर भाग लुगाई हो से हो दुनिया के माँ मर्द जाम की एक लाग लुगाई हो से। भाई मैं एक आर्टिस्ट का नाम लेऊंगा भाई, आपने उनके बारे में दो चार लाइन बोलनी है भाई। रणदीप हुड्डा। रणदीप हुड्डा भाई जो है मैं एक्टिंग का स्टूडेंट हूँ, अगर एज एन एक्टर मैं उसको देखूँ तो शायद उससे बेहतरीन एक्टर मैंने बहुत कम देखा है। हाँ भाई, हमारे सर थे एक जो हमें पढ़ाया करते महेंद्र मेवाती जी, वो गुजर चुके हैं, भारतवर्ष के सबसे महान एक्टर में उन्हें माना करता, लेकिन उसके बाद मैं मानूँ रणदीप भाई बहुत धुरंधर एक्टर है और उसकी पर्सनल ज़िंदगी में कदे हम गए नहीं हैं। पर्सनल ज़िंदगी में वो कैसा है, अच्छा है, बुरा है, वो तो मुलाकात से और उस चीज़ से पता लगेगा कि भाई रणदीप हुड्डा कैसा है। बिल्कुल भाई, पर्सनल ज़िंदगी बात नहीं कराएं, लेकिन एक्टर अच्छा है। एक वाक्या मैंने थोड़ा सा सामने आया था मेरा, उसमें एक प्रोग्राम होया था रोहतक में, तो उस रोहतक वाले प्रोग्राम में मुख्यमंत्री का प्रोग्राम था वो मनोहर लाल खट्टर का, उस प्रोग्राम में उसने हरियाणवी क्या कहा, ये कहा था कि मैं सिर्फ हरियाणवी हूँ, पहले मैं हरियाणवी हूँ। उसके बाद मैंने उनका एक वीडियो देखा कपिल शर्मा का शो में, कि उसमें जो है जो उन्हें मनोहर लाल खट्टर वाला प्रोग्राम था उसमें उसने कहा था कि मैं हरियाणवी हूँ, उसके बाद मैं कुछ हूँ, जातिवादी मेरे लिए कुछ नहीं है। लेकिन फिर मैंने एक कपिल शर्मा का एक इंटरव्यू देखा, कपिल शर्मा का एक शो का एक छोटा सा क्लिप देखा, उसमें उसने नु कहा मैं पहले जाट हूँ उसके बाद मैं कुछ हूँ, तो थोड़ा सा मन नु लगा कि बंदा विचलित है। भाई केडी। केडी भाई बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी है अपने हरियाणा के लिए और मेरे ख्याल से बहुत बेहतरीन राइटर है, बहुत बेहतरीन राइटर है। अगर आजकल का दौर देखा तो केडी भाई जो लिखे हैं शायद ही कोई लिखता हो इतना कैची शब्द, बहुत अच्छा राइटर है और जितना मिले हैं जितना हमारा ताल्लुकात रहा है तो बहुत बेहतरीन और बहुत बंदा एकदम ग्रेट बढ़िया भाई। बिल्कुल भाई, भाई आपका एक मित्र है विकास कुमार सिंगर भाई, जिसके नया एल्बम नया एल्बम आई थी भाई। भाई हट जाता हूँ गाना था भाई उस एल्बम में, भाई आपकी आवाज में दर्शक सुनना चाहूँ, हट जाता हूँ पाछे ने। हट जाता हूँ पाछे ने एक एल्बम थी, उस एल्बम में एक गाना आया था उसकी मैं कुछ लाइन सुनाऊंगा। बिल्कुल भाई। वो सपने में रात ने आई हो सपने में रात न आई वकरगी चाला रे ओ फेर मिला दे राम रटू सुमाला रे मन फेर मिला दे राम रटू सुमाला रे। तो विकास भाई बहुत अच्छे सिंगर हैं, मैं हरियाणा में अगर सिंगर मानूं फिलहाल आज के दिन जो हैं राजू पंजाबी और विकास भाई को ही मानता हूँ कि भाई जिन तक मैं जिन मैनू मानू भाई मेरे से बहुत ऊपर है। बिल्कुल, तो भाई आपने आवाज़ बढ़िया बनाने का चक्कर में के तो भाई मुसीबत करनी पड़ रही है और किन किन चीज़ों भाई फ्रेज रखने पड़ रही हैं? मन ने अपनी आवाज़ बढ़िया बनाने के चक्कर में ना तो कोई मुसीबत आई ठीक है, ना कोई परहेज रखे भाई ठीक है। आप लोगों का प्यार है, दर्शकों का प्यार है जो मन पसंद कर रहे हैं, मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है, मैं खुद मानना करूँ इस बात ने। भाई मान लो म्यूजिक कंपनी भाई आप तक टूर दे रही है भाई, आपने दो फीमेल आर्टिस्ट ले जानी है भाई, आप किन किन ले जाओगे साथ में?
पहली बात तो म्यूजिक जो कंपनी मैंने टूर देऊंगी इसको टूर पर मैं जाऊँ को नहीं का रीजन क्या है भाई है? रीजन के? ना मैं एक दो पिछले कुछ समय पहले मैं कुछ एक मार्केटिंग जो MLM होती है ना मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी उनके संपर्क में आया, खूब टूर मिले, मैं किसी का टूर पे नहीं गया, ठीक है, दिवाली अपना आप पे मना नहीं पड़ा भाई, ठीक है। तो और रही बात अगर कोई ऐसा टूर की बात आवे जो मैंने जाना पड़े, हालांकि कंपनी आ टूर पर मैं जाऊँ को नहीं, पहली बात सच्चाई कहूँ मैं, अगर कदे कोई ऑफर भी करेगा तो मैं ठुकरा दूंगा उसने, मैं जाऊँ को नहीं भाई। लेकिन अगर जाना पड़ा तो मैं अपने बच्चे के साथ जाऊँगा, ठीक है। मेरा एक बच्चा है, लड़का है नेत्रता, और एक खनक मेरी लड़की है, मेरी मिसिज है रिंपू, तो मैं उनके साथ जाना पसंद करूँगा भाई। कोई भी फेवरेट मॉडल हरियाणवी? फेवरेट मेरा कोई नहीं है, लेकिन क्या है कि एक जोनर है, जोनर उसका है भाई। हम अगर डांस का जोनर की बात करा तो डांस में मान लो सपना चौधरी है, ठीक है, और अगर मान लो दबंग रोल की बात करा, ठीक है, तो सोनिका सिंह अच्छा दबंग रोल करा है। क्यूटनेस की बात करा भाई अंजलि राघव भी है, और फिलहाल आजकल मेरे साथ काम कर रही है निधि शर्मा। तो मैं फेवरेट मेरा को वो नहीं है, क्राइटेरिया नहीं है कि वो अलग अलग, ये होता है कि भाई इस गाने में या चोरी जच सके तो उसने उस टाइम बात करा, बिल्कुल, अगर उस न टेम नहीं है वो अलग बात है, फिर हम किसी होते भी संपर्क करा, बिल्कुल भाई। आप देखा भाई पुराने कलाकार हैं भाई, घर का लिपियाई भी को नहीं हो रही भाई यार, कंपनी में भी हो पांच सौ गाने, यू के मैटर है? यू मैटर जो है ना ज़्यादातर पुराने कलाकारों के साथ है, जैसे भगत रामनिवास जी के साथ मैंने देखा, मैं भगत रामनिवास के वहाँ पे गया था, उसके दाह संस्कार पे गया था, हाँ भाई, तो वहाँ देखा जो मैंने हाल उनके परिवार का बहुत दयनीय था, और इतना बड़ा कलाकार, इतना बड़ा स्टार के जिसने देख के हरियाणा के को 20-25 स्टार तैयार हुए हैं, 20-25 कलाकार तैयार हुए हैं, उस आदमी की हालत, उस आदमी के घर की हालत, तो कहीं ना कहीं है ना हमारी जो पुरानी कंपनियां थी उन्होंने हमारे कलाकारों का इतना शोषण करा है। मैं तो नुकूंगा ये जितने पुराने चैनल है ना इन ती बेशक अनसब्सक्राइब कर दो भाई, सच्चाई में इन हरियाणा के कलाकारों का इतना बुरा हाल करा है। अगर आप भगत रामनिवास का हाल देखोगे ना तो आपने नू पता लगेगा कि इन कंपनियों ने उसका कितना शोषण करा है। उनके घर देखोगे तो आपने नू पता चलेगा कि इन लोगों ने इस आदमी से कितना कमाया है, ठीक है। तो इतना शोषण कर रहा है इन कंपनियां ने, बहुत सारी कंपनियां हैं, तो मैं तो यही बात कहूँगा, एक गाना किसी अठाया गया बाई चांस, किसी का गाना अठाया गया, उसके 10 नाम बदल 10 बार रिलीज करेंगे, उनके 20-20 चैनल हैं, ठीक है, और कदे किसी आप फोटो किसी के ला के, किसी आप फोटो किसी के ला के उनकी इसी बेइज्जती करेंगे, ऐसी मतलब माँ बहन करें ना भाई, खतरनाक। तो कलाकार ये सब के इंडिपेंडेंट चैनल हैं, जिन आप पसंद करो हो तो उनके सब्सक्राइब करो, और जो पुरानी कंपनियां हैं जिन्हें हमारा शोषण करा, हमारा नहीं हमारे पूर्वज जो है हमारे पुराने कलाकार हैं उनका शोषण करा, वो बहुत गंदा तरीका था भाई। मैं तो नुलाले 12 साल हो लिए मेरे भाई, परमात्मा की दात है 12 साल तक इस लाइन में बन रहे हैं, इस लाइन का पता है, हाँ भाई। 12 साल पहले मैंने बलारा साहब की हालत भी देखी, सुपर लाइन कैसेट कंपनी में बस स्टैंड के पीछे एक स्टूडियो आया था सरस्वती स्टूडियो, मिश्रा जी वहाँ पर रिकॉर्डिंग कराया करते, सतीश जी आया करते कलानौर से, हाँ भाई। वहाँ से लेके बहुत लंबा स्ट्रगल हमने जिया है, उस टाइम में हमने बड़े बड़े जो उस टाइम के स्टार होया करते जिन गेल हम मतलब नुचा करते के इस आदमी ऑटोग्राफ मिल जा, उन आदमी गेल के होया है हमने देखा, और आज सब कलाकार स्टैब्लिश हैं, अपने अपने सबके चैनल हैं, सब अपना अपना रोजगार ठीक जुड़ रहे हैं, तो इन कलाकारों का जो शोषण करा है इन कंपनियों ने बहुत बुरा करा है भाई। आप देखा भाई सोशल मीडिया पर कलाकार भी लाल बाल करा ले हैं, जूते ले आएंगे भाई, उनकी फोटो वायरल करते हैं, आखिर में दिखाना के चाह रहे हैं? एक बात बता भाई, ये तो सवाल तेरा ठीक नहीं लगे मैंने, कोई लाल बाल कराओ, कोई पीले कराओ, किसे कराओ, वो तो उसकी पर्सनल जिंदगी है, हाँ भाई। अगर आपने अच्छा लगा तो ठीक है, ना लग दो तो टाल कर दो, बिल्कुल भाई, ठीक है। और एक आदमी ने मेरे से सवाल करा था कई दिन पहले, एक ऐसा आदमी ने जिसने सबसे ज्यादा सोसेबाजी करी, सबसे ज्यादा जो
बहुत ज़्यादा सोसेबाजी करी। उस आदमी ने मेरे तो सवाल करा बोला दादा ये जो सोना पह रहे हैं ये कहाँ से पह रहे हैं इतना इतना सोना पहनने की क्या जरूरत है सोना तो तेरे दो रवि होगा तू कौन पहरदा। मन एक बात उसकी कही भाई मखा सोना पहन वाली बात जो है वो सोसेबाजी है मान गया मैं लेकिन तू भी तो बाउंसरा खेरदा तन्ना बाउंसरा ही कड़े जरूरत पड़ी भाई तेरे तो बड़ा कलाकार होगा थोड़ा बहुत तो मैं तेरे तो सीनियर होगा मगर मैंने तो कदे भी मतलब बाउंसर कौन रखे भाई मेरी तो कितनी पिटाई चिटाई कौन हुई बिल्कुल भाई ठीक है। तो ये सोसेबाजी है ना जो करे है वो एक मार्केटिंग है और करनी भी चाहिए एक आर्टिस्ट ने बड़ा बनने के लिए करनी चाहिए ठीक है। वो अपनी अपनी धारणा है लेकिन हम किसी ने गलत नहीं ठहरा सकते। अगर कोई सोना पैर है कोई मतलब बाउंसर आख है कोई भी वो अपनी धारणा है सबकी सब अपने जीवन में जीवें। हम किसी ने बाउंडेशन नहीं कर सकते हम किसी पे थोप नहीं सकते कि नू करो नू ना करो तो ये सब की अपनी इच्छा है भाई। भाई अगर कोई नया बंदा भाई आप वाली लाइन में आना चाहे तो मासूम भाई आप उससे क्या संदेश दोगे? मैं उससे नू कहना चाहूँगा सीधी सी बात भाई कि दो चीज़ हुए एक तो आप बहुत धनाढ्य हो आपके पास बहुत पैसा है फूकने के लिए ठीक है। दूसरी बात आपके पास भरपूर टैलेंट है दो चीज़ें में एक होनी चाहिए जरूरी बहुत ज़्यादा। अगर आपके पास पैसा है तो शायद बहुत सारे लोग हैं जो पैसे के दम पर भी चल रहे हैं ठीक है। तो अगर आपके पास पैसा नहीं तो आपके पास टैलेंट होना चाहिए। अगर आपके पास टैलेंट इतना नहीं है कि आप पास आप किसको किसी को कम्पीट कर सको किसी को टक्कर दे इसको तो अगर आपके पास टैलेंट नहीं है और पैसा भी नहीं है तो मेरे भाई इस लाइन में कोई फायदा को नहीं। आप नुकसान खाओगे आप हताश हो गए हताश होकर आप इस लाइन को गाली देकर चले जाओगे। तो भाई आपके साथ में बैठे हैं इस भाई में के खास टैलेंट है इसका टैलेंट इस तो पूछ ठीक है। बाकी विकास रजाना है भाई और बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे गाने इसने करे हैं और इसका टैलेंट यू है कि भाई इस तो सारे कलाकार है सुत्री राम रमी है ठीक है। जो आदमी मेरे खातर मान ले 25,000 में काम करो वो इस खातर 20,000 में कर दे ठीक है। तो इसका यही टैलेंट है। तो विकास रजाना भाई आप भाई मासूम शर्मा भाई की कोई भी कमी बताओ जो भाई ने सुधार लेनी चाहिए। भाई भाई साहब की तो कोई कमी नहीं मेरी ये कमी थी जो भाई साहब से दूर हुई है। अच्छा तो मासूम भाई आपने कीमती टाइम काट दिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का आपका जो आप आड़ा आए इतनी दूर ठीक है। क्योंकि धन्यवाद तो जब दें दे आपके भाई हम आपके गांव में जान दे लेकिन आप हमारे गांव में आ रहे हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और धन्यवाद। जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेलिब्रिटी के साथ।